हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार फैशन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आप न्यूली मैरिड हो तो आपको कैसी ड्रेसेस को वेयर करना चाहिए इस करवा चौथ पे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप रेड कलर ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि रेड कलर हमेशा हर एक लड़के को सूट करता है, स्पेशली जब ब्राइडल्स होती हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप इस तरह से हाई लो कुर्ता बनवा सकते हैं अगर आपको सूट नहीं वेयर करना है। साथ में आप नेट का दुपट्टा ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि नेट के दुपट्टे से अलग से एक लुक आती है। इसके अलावा आप इस तरह से पैपलम स्टाइल में कुर्ती को सिलवा सकते हैं। साथ में आप ट्राउज़र को ट्राई कीजिएगा, पजामी मत वेयर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है इसका। आप इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, शॉर्ट कुर्ते विद ट्राउज़र हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके साथ आप वेलवेट का दुपट्टा ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा। इसके अलावा अगर आपने रेड ही कलर को वेयर करना है तो आप थोड़ा फ्लेयर वाली अनारकली कुर्ती बनाइएगा, उसके साथ आप शरारा मैच कीजिएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर शरारा में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोर होता है और आपके जो शर्ट है उसमें भी, तो इससे क्या होता है, एक पार्टी वेयर लुक आता है और किसी भी पार्टी ओकेशन पे आप इसे वेयर कर सकते हो। अगर आपने करवा चौथ पे वेयर करना है तो करवा चौथ के बाद आप कोई भी ओकेशन आता है उस पर ईजिली वेयर कर पाओगे। इवन आप दिवाली पे भी इस तरह की ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हो। अगर आपने अपनी ड्रेस को पंजाबी लुक देना है तो अगर आपके पास सूट पड़ा है तो उस कमीज़ की उसमें से आप इस तरह से पैपलम स्टाइल कुर्ती सिलवाइएगा। और साथ में मैंने आपको बताया था कि ब्रॉकेट का आप या फिर कोई भी ट्राउज़र बनवा सकते हैं मैच करता, या कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और साथ में आप वेलवेट का दुपट्टा ट्राई कीजिएगा, आपकी ड्रेस रेडी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने हैवी ड्रेस वेयर करनी है तो आप पेपलम स्टाइल में ही शर्ट को लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट रखवाइएगा, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। उसके साथ आप स्कर्ट को पेयरअप कर सकते हो। इसके लिए भी आपको अलग से कपड़ा नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो आप अपनी शर्ट अलग ले लीजिएगा, साथ में प्लेन स्कर्ट पेयरअप कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई सूट है तो उसमें से आप शर्ट और उसकी स्कर्ट बना सकते हो, लेकिन स्कर्ट के लिए ज़्यादा कपड़े की जरूरत होती है तो आप अलग से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्लेन सूट या सिंपल सूट वेयर करना है तो आप इस तरह से जो वाइट कलर में या कोई भी और कलर में सूट आता है लेकिन उसमें कलर डार्क हो वो वेयर कर लीजिएगा। साथ में आपको नेट का ही दुपट्टा कैरी करना है। आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं लेकिन साथ में अगर आप नेट का दुपट्टा लोगे तो आपका सूट ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहे वो सिंपल है, सस्ता है, वो आपको ज़्यादा अच्छा और एक्सपेंसिव लुक भी देगा। इसके अलावा आप अनारकली या लॉन्ग फ्लोर ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हो अगर आप न्यूली मैरिड हो। मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया था कि आपको नेट का दुपट्टा ही यूज़ करना है। आपने देखा होगा जिस ड्रेस में भी नेट का दुपट्टा है वो ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, तो इस तरह से आप प्लेन अनारकली बनवा सकते हैं, गाउन बना सकते हैं, उसके साथ आप नेट का दुपट्टा ब्राउन लीजिएगा, गोल्डन लीजिएगा, पिंक लीजिएगा, बहुत ही प्यारे कलर लगते हैं इस तरह के फेस्टिवल सीजन में। इसके अलावा आप सिंपल सूट ट्राई करना चाहते हो तो आप इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा डार्क रख के यूज़ कर सकते हो। जो अपनी शर्ट की लेंथ है वो ज़्यादा रख लीजिएगा और प्लाजो को आप शरारा टाइप में बनवा लीजिएगा, ज़्यादा घेर वाला बनवा सकते हैं। और डार्क कलर कॉम्बिनेशन, लाइट एंड डार्क का कलर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं और आपकी ड्रेस रेडी हो जाएगी। जिस ड्रेस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वही आप ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आप जो नेक्स्ट ड्रेस देख रहे हैं, आप इस तरह से हाई लो कुर्ता बनवा सकते हैं, प्लेन बनवा लीजिएगा। साथ में आप सलवार ट्राउज़र को भी ट्राई कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी स्टाइल ड्रेसेस का लुक देते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है न्यूली मैरिड के लिए, क्योंकि अगर आपकी अभी अभी मैरिज हुई है तो आपका ये फर्स्ट फंक्शन है तो आप इस तरह की ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो तो भी आप इन ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बनती है। आपको सिर्फ थोड़े से कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास कोई भी सूट है तो उसका भी आप इस तरह से सिल सकते हैं। अगर आपके पास साड़ी है तो उसकी आप इस तरह से कुर्ती बनवा सकते हैं। साथ में आप ब्रॉकेट का ट्राउज़र, सलवार जो आपको पसंद है वो वेयर कीजिएगा। इस तरह से आप नेट का ही दुपट्टा, मैंने आपको बताया नेट का दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं फेस्टिवल सीजन में, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको प्लेन सूट बनवाना है तो प्लीज़ उस पर लेसेस ज़रूर लगवाइएगा, जैसे कि आप नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हो। इस तरह से आप प्लेन सूट पे लेसेस लगवा सकते हो, एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हो। साथ में मैंने आपको बताया था कि नेट का दुपट्टा ही कैरी करना पड़ेगा क्योंकि नेट के दुपट्टे से ज़्यादा अच्छी लुक आती है। इसके अलावा ऑर्गेन्जा दुपट्टा भी होता है, वो नेट नहीं होता लेकिन थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो आप देख सकते हैं, चेक करके आ सकते हैं कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगेगा। आप गोल्डन पिंक मैंने आपको बताया था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट बनवा सकते हैं, साथ में आप घेर वाला प्लाजो या शरारा, घाघरा, कोई भी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बनवा लीजिएगा। और साथ में आप ऑर्गेन्जा और नेट का दुपट्टा कैरी कीजिएगा। नेट का दुपट्टा ईजिली मिल जाते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, तो आप उन्हें ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आप सिंपल पंजाबी सूट भी वेयर कर सकते हैं। अगर आपको सलवार सूट नहीं वेयर करना है तो आप शरारा सूट वेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप लाइट पिंक कलर का सूट कैरी कीजिएगा, साथ में आप पंजाबी जूते कैरी कर सकते हैं, नेट का दुपट्टा। और आप थोड़ी सी जो अपने स्टाइलिंग के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो आप कर्ल्स भी ले सकते हो अपने हेयर में, और साथ में आप जूड़ा भी बनवा सकते हो क्योंकि फेस्टिवल सीजन में बहुत ही अच्छा लुक आता है इन चीज़ों से। इसके अलावा
अगर आप अनमैरिड हो और आपको भी देखनी है इस वीडियो में से कोई ड्रेस, तो आप इस तरह से सिंपल ड्रेस बनवा सकते हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं। सिंपल यहाँ पे शर्ट है, उसके साथ ए लाइन प्लाजो है, वो आप बनवा सकते हैं। इसको क्या होता है कि आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राउज़र के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ड्रेस के साथ इसे कलर कॉम्बिनेशन के तौर से पेयर अप कर सकते हैं, जो आपकी मदद कर देगा आपकी ड्रेस को अलग लुक देने के लिए, और सस्ते में ये आपकी ड्रेस बन भी जाएगी। इसके अलावा जो मेरी फेवरेट है यहाँ पे, आप लाइट पिंक की कुर्ती रखिएगा और डार्क कलर की स्कर्ट रखिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। पेपलम स्टाइल में शर्ट है और साथ में स्कर्ट है। उम्मीद करूँगी गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।